के साथ जीने के संदर्भ में अगर मैं देख रहा हूं, है ना, उसके संदर्भ में मेरा भाव विचार का निर्णय मैं कर रहा हूं, तो या तो मैंने स्वयं को समझा है, उस दूसरे व्यक्ति को समझा है, उसके आधार पर मैं अपने भाव विचार का निर्णय ले रहा हूं, या मैंने अपने को नहीं समझा, दूसरे को नहीं समझा, अपने बारे कुछ मान लिया है, दूसरे के बारे कुछ मान लिया है ना, उस मान्यता के आधार पर अपने भाव विचार का निर्णय ले रहा हूं। तो इसको जब देखने जाते हैं तो ये पता लगता है कि जब हम सही समझ के आधार पर, है ना, वास्तविकता को समझने के आधार पर निर्णय लेते हैं, तो मैं हमेशा सही भाव के पक्ष में निर्णय लेता हूँ, सहज भाव के पक्ष में निर्णय लेता हूँ। जब भी मैंने समझ के अभाव में मान्यता के आधार पर निर्णय ले रखा है, तो अब जो मैं निर्णय लूंगा भाव विचार का, वो हमारी मान्यता पर निर्भर करेगा। वो सहज सही भी हो सकता है, भाव गलत भी हो सकता है। अगर मान्यता सही है तो सही भाव के पक्ष में निर्णय होगा, अगर मान्यता गलत है तो गलत भाव के पक्ष में निर्णय होगा। ये दोनों संभावना बनी रहती है। तो अगर सही समझ के आधार पर निर्णय ले रहे हैं तो हम निश्चित भाव के पक्ष में निर्णय लेंगे, सही भाव के पक्ष में निर्णय लेंगे, सहज और सुखद भाव के पक्ष में निर्णय लेंगे। अगर समझ के अभाव में मान्यता के आधार पर निर्णय ले लिया है, तो मान्यता पर निर्भर करेगा कि मैं सहज सुखद भाव के पक्ष में निर्णय लूंगा या असहज दुखद भाव के पक्ष में निर्णय लूंगा। ये बात हमको स्टेप 5 में दिखाई पड़ती है, और ये बात अगर ठीक से दिख जाए तो यहाँ से सही समझ की आवश्यकता हमको पहचान में आती है कि इस बात को समझना आवश्यक है ना, कि जिन वास्तविकताओं के साथ जी रहे हैं वो वास्तविकता क्या है, उन वास्तविकताओं को समझना जरूरी है। उसमें भी खास करके इस बात को समझना जरूरी है कि कौन सा भाव हमारे लिए सहज है, सुखद है, कौन सा भाव हमारे लिए सहज है, सुखद है। उसी को हम लोगों ने स्टेप 6 में बात करना शुरू किया है कि स्टेप 6 में हम लोग इस बात को जांचने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा भाव हमारे लिए सहज है, सुखद है, ताकि उन भावों को हम अपने में सुनिश्चित करके अपने में संगीत में रह सकें, सुखी रह सकें। तो उसको हम लोग अब 6 और 7 में काम कर रहे हैं। 6 को देखेंगे तो 2 बातें पूछ रहे हैं हम, 6A और 6B के 2 स्टेप्स पर काम कर रहे हैं। 6A में हम ये पूछ रहे हैं कि कौन सा भाव हमको सहज स्वीकार होता है, संबंध का भाव या विरोध का भाव, व्यवस्था का भाव या अव्यवस्था का भाव, सहअस्तित्व का भाव या संघर्ष का भाव। सिंपली इतना पूछ रहे हैं। आप अपने से पूछ सकते हैं कि आपके लिए कौन सा भाव सहज स्वीकार है, संबंध का या विरोध का, व्यवस्था का या अव्यवस्था का, सहअस्तित्व का या संघर्ष का। तो इसको अपने से पूछते हैं तो उत्तर तो यही मिलता है कि संबंध का भाव सहज स्वीकार है, व्यवस्था का भाव सहज स्वीकार है, सहअस्तित्व का भाव सहज स्वीकार है, न कि अन्यथा। बट इसको अभी ध्यान से देखिए, बार बार इसको जांचिए तो स्पष्ट होगा कि संबंध ही हमको सहज स्वीकार होता है, विरोध का भाव तो एक क्षण भी हमको स्वीकार नहीं होता। एक क्षण भी अगर हम उसको स्वीकारते हैं, उस क्षण हम दुखी होते हैं। तो इस बात को 6A में देख रहे हैं। एक बार यह दिख जाए कि संबंध, व्यवस्था और सहअस्तित्व का भाव ये हमारे लिए सहज है, सुखद है ना, तो 6B में हम इनको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यह संबंध क्या है, व्यवस्था क्या है, सहअस्तित्व क्या है, उसको समझने का काम कर रहे हैं 6B में। ये एक लंबी प्रक्रिया है। अभी तक जितना हम लोगों ने EHV1 से लेकर अभी तक जो भी वर्कशॉप किए हैं, उन सब में इसी बात को समझने का प्रयास किया गया है कि संबंध क्या है, व्यवस्था क्या है, सहअस्तित्व क्या है।
करने का ये दो काम है। स्टेप 6A में ये जांचना है कि संबंध व्यवस्था और सहअस्तित्व का भाव ही हमारे लिए सहज है सुखद है, ना कि अन्यथा। और दूसरा, ये जो संबंध व्यवस्था और सहअस्तित्व है ये क्या वास्तविकता है, उसको विस्तार से बारीकी से समझने का काम 6B में हम लोग करेंगे। तो स्टेप 6 पे काम करना है अभी से लेकर कल सुबह तक, और स्टेप 7 जो इसका बहुत सिंपल एक्सटेंशन है उसको भी मैं इंगित कर देता हूँ, तो उस पर भी साथ साथ काम शुरू हो सकता है। स्टेप 7 में इतना कर रहे हैं कि एक बार हमको दिख गया कि संबंध व्यवस्था और सहअस्तित्व का भाव ही हमारे लिए सहज है सुखद है, तो अब हर क्षण हम इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि मेरे में जो भाव विचार चल रहा है इस क्षण वो संबंध के अर्थ में है, व्यवस्था के अर्थ में है, सहअस्तित्व के अर्थ में है, अन्यथा नहीं। सो इन स्टेप 7 आई एम ट्राइंग टू एंश्योर एवरी मोमेंट दैट वॉट एवर फीलिंग और थॉट आई हैव एट दिस मोमेंट इन मी इज इन लाइन विथ हार्मनी रिलेशनशिप एंड को एग्जिस्टेंस। So the feeling that I have at this moment is in accordance with the feeling of relationship, harmony and coexistence and not otherwise. If I can do this, if I can ensure that every moment my feeling, or at least at this moment my feeling, my thought is in line with feeling of relationship, harmony and coexistence, then I'm in a state of harmony within, in a state of happiness within. So step 6, I'm able to see that it is the feeling of relationship, harmony and coexistence which is naturally acceptable to me, which is natural for me and not otherwise. In step 7, now I'm trying to make sure that the feeling that I have at this moment, the thought that I have at this moment, is in line with the feeling of relationship, harmony and coexistence, and not otherwise. If I can do this, I can be in a state of harmony every moment, I can be in a state of happiness every moment, and therefore I can be in a state of continuous happiness. And that is what we have been wanting all the time. That is what we have been aspiring all the time. So this is how we have these 7 steps which we have to work on. So therefore I need to develop myself by ensuring the feeling of relationship, harmony and coexistence every moment, by expanding my thought of how to live in relationship, harmony and coexistence, and by living with the outside world in relationship, harmony and coexistence. That is what I need to do ultimately, and if I can do this, I can always be in a state of harmony and happiness. I can be in a state of continuous happiness. And that is what we all desire. So this is what we intend to do in these 7 steps. So you can start working on all these 7 steps from now onward till tomorrow morning. And if there are any questions, there are any clarifications, we'll take them up tomorrow. But if there is any urgent question, any urgent clarification, we can certainly take it now.